फिलहाल तो पता है स्वर कैसे लिखा जाता है, व्यंजन कैसे लिखा जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो उसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम अगला देखेंगे, बारह खड़ी। बारह खड़ी कैसे लिखा जाता है मैं आपको अभी यहाँ सिखाऊंगी। बारह खड़ी आपको दिमाग में रखने के लिए एक अलग तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अपने मात्राओं को और कैसे अक्षर यानी कि आधा क हलन के साथ और अ मिलाकर एक पूरा अक्षर कैसे बनाया जाता है, मैं आज आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वहाँ आधा क हलन के साथ अधिक अ के साथ बनता है पूर्ण अक्षर क, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे लिखना होता है। इधर देखिए, क हलन अधिक अ क, ठीक है। क हलन ये आधा क है, ठीक है, ये अधिक है और ये आ है, इसको हम पूरा करेंगे का, ठीक है। क हलन के साथ ई की, ठीक है, क ई बड़ी की, ठीक है। कू, छोटी कू, क हलन के साथ ऊ बड़ी कू, ये हो गया। इसके आगे का जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, लेकिन आपको कंटिन्यू नीचे ही करना है, आपको नीचे ही लिखते जाना है। मैं यहाँ पे जगह नहीं करके यहाँ पे इस साइड पे मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। री आप चाहे तो लिख सकते हैं, या तो आप स्किप कर सकते हैं, या तो छोड़ सकते हैं। ज्यादातर हिंदी में यह री या क्रू री लिखा नहीं जाता है, फिर भी आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्री, ओके। हलन के साथ अम कम, क हलन के साथ अहा कहा, ये देखिए कहा, ऐसे ये लिखा गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे देखिए अ आ ई उ, हाँ, यहाँ पे री ए आई ओ औ अम और अहा, ठीक है। यहाँ पे अ आ ई स्वर आए हैं यहाँ पे, और ये है जो व्यंजन अक्षर आया है, यानी कि आधा व्यंजन अक्षर आया हुआ है। तो आधा क और स्वर मिलाकर एक अक्षर होता है, उसे हम क करके पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया अ और क आधा मिलाकर क हो गया, ठीक है। अभी हम इसके आगे क का की टिल ज्ञ तक लिखना है, ठीक है। क का की टिल ज्ञ तक लिखने के लिए सीखना है, ठीक है। ये जो है आपने अभी लिखा है वो एक बार अपने दिमाग में
फिट कर लिया तो आपको 12 कड़ी लिखते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं अभी लिखती हूँ, ठीक है। अभी सबको ऐसे लिखना होता है, क का छोटी की बड़ी की छोटी को बड़ी को, उसके बाद क्या आता है, क्रू। मैंने बताया यदि आवश्यकता है तो लिखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिखिए, समझ में आता है तो वो क्रू करके आप छोड़ सकते हैं। क्रू के कई को कौ कम कहा, ठीक है। ये हो गए 12 कड़ी, ठीक है। ये हो गए 12, यानी कि कितने आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये जो है 13 है। अभी चलिए क हो गए, अभी हम ख के बारे में सीखते हैं। ये छोटा क है और ख, क हो गया, अभी ख के बारे में सीखते हैं, ठीक है। ये देखिए ख, खा, खी, खी, खू, खू, ये हो गए खू तक। अभी लिखेंगे खे, माफ कीजिए क्रू, खे, खई, खो, खौ, खम, खहा, ये हो गए कहाँ तक, ठीक है। अभी ख ख हो गए, अभी कौन सा आता है अक्षर ग, ओके ग, ग, गा, गी, गी, गु, गु, ठीक है। यहां तक हो गया गु। अभी गे, ग्रु, गे, गई, गो, गौ, गम, कहा, ये हो गया गम कहा तक, ठीक है। अभी है इसके आगे घ, ये हो गया क ख ग, उसके बाद घ। देखिए घ, घा, घी, घी, घू, घू, घ्रू, घे, घई, घो, घौ, घम, कहा, ठीक है। ये हो गए घम कहा तक। अभी इसके जो आगे अगला अक्षर आता है वो है क ख ग घ ञ, वो आता है ञ, आप नहीं लेते तो भी चलेगा, तो मैं अभी
वो एक अक्षर छोड़ दूंगी, आगे जो है च, ओके च, चा, ची, ची, चू, चू, चुरु, चुरु, चे, ये हो गए चे, अभी है चे, चई, चई, चो, चौ, चम, चहा, या देखिए चम चहा तक हो गया, लेकिन आपको लिखना है दो लाइन के बुक में ही, दो लाइन के बुक छोड़कर आप दूसरा नहीं यूज कर सकते हैं। यदि फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड है तो वो यूज कर सकते हैं तीन लाइन की बुक, ताकि पढ़ने के लिए भी आसान हो, लिखने के लिए भी आसान हो। और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह है वो दो लाइन की बुक ही उनको यूज करनी है, ताकि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, यानी कि बराबर में सुधार आ जाए। छ छ हो गया, अभी छ छ छा ची ची छू छू च्र च्र हो गया, च्र के बाद छे छई छो छव छम छह, ठीक है, ये हो गए छह तक। इसके आगे जो है छ छ ज, यानी कि छ छ अभी ज ज जा जी जी जू जू ज्र, हाँ ज्र हो गया, अभी जे जय जो जौ जम जहाँ हो गया, ये जम जहाँ तक हो गया। अभी है झ, बड़ा वाला झ, तो अभी हम क्या करेंगे, बड़ा वाला झ यहाँ पे लिखेंगे, देखिए झ झा जी जी झू झू झे, ओ माफ कीजिए ज्र हो गया झे झई झो झौ झम झा, ठीक है, ये हो गए क से लेकर झा तक, यहाँ तक आपको लिखना है। ये कैसे लिखना है, एक बार देखकर लिखना है, एक बार बिना देखकर लिखना है। वो एक बार जो लिख रहे हैं वो अपने होमवर्क बुक में लिखिए, और जो दूसरी बार लिख रहे हो वो अपने क्लासवर्क में लिखिए। क्लासवर्क में लिखते वक्त भी गलतियां नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने कहा है, यदि आपको नहीं आता है तो एक बार छोड़कर, दो बार छोड़कर, तीन बार लिखिए,
अपने होमवर्क बुक में, उसके बाद अपने क्लास वर्क में करेक्ट ही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, अक्षर की गलतियां नहीं करनी है, अक्षर जैसे हैं वैसे ही लिखने हैं और दो लाइन में लिखने हैं और अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ गया। अभी जो है हम इसके आगे झ हो गया, उसके आगे जो है क्या है अभी ट का बना कर लेते हैं। ट टा टी टी टू टू। ठीक है, ट्रो टे टई टो टौ टम टहा। ये हो गए टम टहा तक। अभी है ट होने के बाद ठ बड़ा वाला, ट ठा ठी ठी ठू ठू ट्रू ठे ठई ठो ठौ ठम। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसके आगे जो है ट हो गया, ठ हो गया, अभी ड ड डा डी डी डू डू ड्र डे डई डो डौ डम डहा। ठीक है, अभी डम रहा हो गया, छोटा वाला ड हो गया, अभी बड़ा वाला ढ इधर के ढ ढा धी धी ढू 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 ढृ डै ठै ठो ढौ ढम। ठीक है, ये हो गया ड ढ ट ठ ड ढ। अभी आता है न न ना नी नी नू 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 है नाम नहा तक। ठीक है, यहाँ तक हम अभी इतना ही सीखेंगे। अगले क्लास में हम यानी कि अगले कक्ष में हम पढ़ेंगे त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह ल ह क्ष त्र ज्ञ। ठीक है, यहाँ तक हम अगले क्लास में बारह खड़ी लिखना सीखेंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने क्लास वर्क में और होमवर्क बुक में फर्स्ट यू राइट इन होमवर्क
two times. Afterwards, you write in your class work one time. That also without any mistakes. बिना गलती किए हुए आपको इस 12 कड़ी को अपने क्लास वर्क में लिखना है और होमवर्क बुक में दो बार लिखना है, ठीक है?